लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी हैं। बीजेपी का फोकस इस बार पूरी तरह से डी फैक्टर यानी दलितों पर है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया, लिहाजा बीजेपी इसके लिए बड़ा अभियान चलाने वाली है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है वो इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी बड़े पैमाने पर अपने सियासी अभियान को शुरू करने जा रही है। इस अभियान में डी फैक्टर पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें दूर हुए दलित समाज को वापस बीजेपी से जोड़ने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि इस अभियान में आरएसएस भी दलितों को बीजेपी के पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इस अभियान को यूपी में तेजी देंगे। जो कार्यक्रम तय हुआ है उसमें बीजेपी नेताओं की आज एक बैठक हुई, जबकि दूसरी बैठक कल होगी। इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे, जिनकी कोर ग्रुप के नेताओं से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि बीएल संतोष सभी जिला अध्यक्षों से भी मिलेंगे, एससी समाज के मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर चर्चा होगी और उपचुनाव की तैयारियों पर भी बात होगी। ये भी जानकारी है कि बीएल संतोष यूपी में बीजेपी के सहयोगी पार्टियों से भी मुलाकात करेंगे और 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर रणनीति बनाएंगे। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 1918 मंडलों के मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इसमें उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, दलित और पिछड़े वर्ग के बीजेपी से दूर होने पर बात होगी, दलित और पिछड़ा को फिर से जोड़ने की रणनीति बनेगी, हारी हुई सीटों के कारणों की पड़ताल की जाएगी, मिशन 2027 के रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी, यूपी के 16 मंत्रियों के काम की समीक्षा होगी। ये वो मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में सीटें नहीं जीता पाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्यों हारी, इसको लेकर बीएल संतोष समीक्षा बैठक 2 दिन लगातार करेंगे। इस दौरान बीएल संतोष उपचुनाव में क्या कुछ बीजेपी की तैयारी है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी करेंगे। आज और कल 2 दिन लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से अपनी मजबूत स्थिति में पहुंच जाए, इसको लेकर तमाम कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इस बीच ये भी खबर है कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 4 सीटें चाहती है, जिसे समाजवादी पार्टी ने अभी फाइनल नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की नजर नेशनल पार्टी बनने पर है और वो हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और दोनों राज्यों में 20-20 सीटों पर समाजवादी पार्टी की लड़ने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी उसके संगठन का विस्तार हो और साथ ही साथ इसके एवज में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ सीटें विधानसभा उपचुनाव में दी जाए। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में 20-20 सीटें लड़ना चाहती है और इसके एवज में कांग्रेस पार्टी को होने वाले अभी हाल में जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें 4 सीटें देने को तैयार है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने चुनावी मिशन के तहत गठबंधन को मजबूती देना चाहती हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की नज़र क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बनने पर है और यही वजह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से वो अपने इस अभियान को शुरू करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।